आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन जो है ओवर हीट होता है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना यह है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का जो फाइल का ऐप होता है इसे ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज पर आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको स्टोरेज का ऑप्शन ये टैप करना है। अगले पेज में सबसे नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला यहां पर देखिए दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे ना, तो फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आप फोन को ज्यादा देर तक यूज करते हैं, मान लीजिए आपने अपने फोन को 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे इससे ज्यादा देर तक कंटिन्यू यूज करा है, तो इससे आपका थोड़ी ज्यादा देर तक यूज करने के बाद अगर आप तुरंत मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा देंगे ना, तो इससे आपका फोन ओवर हीट होने लगेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको फोन को थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद चार्जिंग पे लगाना है, इससे फोन ओवरहीट नहीं होगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, आपको अगर अपने फोन में कोई भी गेम खेलते हैं इंटरनेट चालू करके, तो उससे भी आपका मोबाइल फोन ओवरहीट होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना क्या है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ऑप्शन शो होगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे, तो नीचे एक पेज आता है, इसमें इरेज डेटा पे टैप करेंगे ना, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए, या आप अपने फोन के डेटा का अपने फोन में बैकअप ले लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे, तो इससे आपके फोन की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।